So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. Or this video में हम बात करने वाले हैं MBA in HR versus MBA in marketing, right? बहुत सारे students are confused which one to opt for it. अगर मैं marketing करूँ तो क्या है marketing? HR करूँ तो क्या pros हैं, क्या cons हैं और उसी को detail में समझेंगे हम इस episode में. So let's get started. एच आर की बात करो तो एक सिंपल सी चीज़ है किसी कंपनी में हायरिंग से लेके फायरिंग तक का जो पूरा काम है वो एच आर मैनेजमेंट के अंदर आता है भले वो हम बात करें हायरिंग की उनकी सैलरी की उनके प्रमोशंस की उनकी लीव्स की उनकी हाइस की उनकी ट्रेनिंग एचआर और अगर हम इसको और डिटेल में समझे तो एचआर में आप यू नो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लेबर लॉस के बारे में पढ़ते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में यू you नो know, और इम्प्लॉइज रिलेशन के बारे में वेर इज अगर हम एम इन मार्केटिंग की बात करें तो आपने कहावत सुनी होगी जो दिखता है वही दिखता है और जो दिखाता है दैट इज मार्केटिंग गाइड राइट किसी कंपनी की Image, उसकी उसकी ब्रांडिंग से लेके सेल्स तक, एवरीथिंग कम्स अंडर मार्केटिंग एंड हर कंपनी भले वो अब मैं एच की बात करूं तो एच में वो प्रेशर उतना नहीं है बट हर कंपनी का जो ब्रेड एंड बटर है दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर हम एमबीएन मार्केटिंग की बात करें तो इसमें आप

लाखों ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो अगर मैं स्किल्स की बात करूं, तो एमडीएर में आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स नेगोशिएशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है Whereas अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो इसमें आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स क्रिएटिविटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए मैं इसमें एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आई ट्रेवल टू ऑफ कॉलेजेस राइट एंड अगर आप किसी भी कॉलेज में जाओगे और अगर वो कॉलेज ठीक ठाक है अगर वो एवरेज कैटेगरी का, में भी अच्छा कॉलेज है देन आप अगर वहां के मार्केटिंग वाले स्टूडेंट से मिलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं अभी रिसेंटली आई ट्रेवल टू मुंबई एंड आई विजिटेड अ कॉलेज वहां पे सारी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट थे और uh, मैंने एक टास्क दिया कि लेट्स से वो मेरा फोन है एंड यू जस्ट हैव टू यू नो सेल इट राइट फीचर्स है आई मीन इट दिस क्विक फॉर अ मार्केटिंग पर्सन राइट तो मार्केटिंग और एचआर में दोनों में स्किल्स से डिफरेंस है बट बटन मार्केटिंग की बात करें तो क्रिएटिव स्किल राइट दैट वो इंस्टेंट चीज डो है मतलब आप किसी को देख के किसी के बात करने के तरीके से किसी के ड्रेसिंग सेंस से आप समझ जाओ कि अच्छा मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड वेन इट कम्स टू एम बी ए इन मार्केटिंग एंड एमोग्रिंग स्पेशलाइजेशन है ट्रस्ट मी ऑन दिस अगर आप बात करोगे किसी कंपनी को पचास मार्केटिंग के लोग चाहिए तो हो सकता है उन्हें एच सिर्फ एक या दो ही चाहिए तो होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज एच आर सॉरी मार्केटिंग में ज्यादा है राइट फ्रॉम अ स्टार्टअप टू अग एम एनसी राइट हर कंपनी ने प्रोडक्ट्स बना लिए मेरे कलीग ने मुझसे बोला था एंड देनी पीपल टू सेल इट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ सेंड बट भले वो आप पे जो आज देख रहे हो दैट ऑल कम्स अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट सो अगर जॉब रोल्स की बात करूं स्पेशली इन एचआर तो इसमें जॉब जैसे मैनेजर मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन रिलेशन मैनेजर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजर और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर जैसे वेर इज अगर हम एम बी ए इन मार्केटिंग की बात करें और इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जॉब प्रोफाइल जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर हो गया ब्रांड मैनेजर हो गया सेल्स मैनेजर हो गया प्रोडक्ट मैनेजर हो गया एंड इवन मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स भी

एंड क्लाइंट इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है अगर मैं एम बी ए इन मार्केटिंग की बात करूँ तो ये इसमें काफी वाइड रेंज होती है फ्रॉम ऑफिस जॉब टू यू नो ऑन फील्ड जॉब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या मार्केट एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो हो सकता है आप इन ऑफिस करें अदरवाइज इसमें ऑफ फील्ड में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है क्लाइंट से मिलना पड़ सकता है तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एम बी ए इन मार्केटिंग में करनी रहती है अगर मैं डिमांड की बात करूं इंडस्ट्री डिमांड की तो एम बी ए इन एच आर इज बेसिकली स्टडी डिमांड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री पे अगर मैं एम बी ए इन मार्केटिंग की बात करें हाई डिमांड स्पेशली इन एफ एम सी जी रिटेल ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एम बी ए इन एच आर में जो ग्रोथ है वो काफी स्टडी ग्रोथ है राइट right?

एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे पहुंच सकते हो एन काफी ज्यादा यू नो इवन यू नो अगर मैं बात करूं तो सैलरी भी ऑन कर सकते हो बिकॉज कहीं ना कहीं आप कंपनी की सेल्स सॉरी इनकम से कनेक्टेड हो तो

last few points which includes top recruiters togham mbn hr tbc to top recruiters include accenture deloitte cognizant infosys reliance industry talking about top recruiters in mbn marketing procter and gamble hindustan lever amazon google itc and lot more

पर अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो आप एम बी एन मार्केटिंग में अपने हिसाब से कही न, कहीं ना कहीं सैलरी कैश कर सकते हो वर्क यू नो जॉब प्रोफाइल्स काफी ज्यादा होती हैं ओपनिंग्स काफी ज्यादा होती हैं वेर एचआर एच आर में जो है एवरेज पैकेजेस अगर हम एवरेज लेवल के कॉलेजेस में देखें तो काफी कम है ओपनिंग्स कम होती हैं दैट इज द रीजन थोड़ी सी यू नो लिमिटेशन हो जाती है मेरे टू Job profile. So that's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.